नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। प्राइम टाइम एट नाइन में आपको आज की तमाम भव्य तस्वीरें और बड़ी खबरें दिखाएंगे। शुरुआत करेंगे विजयदशमी पर शस्त्र पूजा की परंपरा हमारे यहाँ सदियों से है। शस्त्र पूजा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दार्जिलिंग के सुकना कैंट कैंप पहुंचे थे, जहां उन्होंने एडवांस ड्रोन समेत कई आधुनिक हथियारों की पूजा की। साथ ही पड़ोसियों को संदेश भी दिया कि भारत विरोधी मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। रक्षा मंत्री के शस्त्र पूजा और सख्त संदेश पर देखिए खास रिपोर्ट। सिख विरोध पाप पाप समर्थम हम पूजनम करिष्ये। तोप खाना एडवांस तकनीक से लैस बंदूकों के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ ही एडवांस ड्रोन सिस्टम की पूजा। जवानों को तिलक लगाकर शस्त्र पूजा की परंपरा निभाकर भारत विरोधी ताकतों को सख्त संदेश देकर कुछ इस तरह से रक्षा मंत्री ने देश के जवानों के साथ दशहरा मनाया। यह आयोजन आप लोगों की सतर्कता और नेशनल सिक्योरिटी के प्रति जवाबदेही को यह सूचित करता है। शस्त्र पूजा के साथ ही रक्षा मंत्री ने सेना को भारत विरोधी ताकतों से भी आगाह किया, क्योंकि कुछ पड़ोसी लगातार भारत में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार विजयादशमी पर सेना ने एडवांस ड्रोन सिस्टम को दिखाया। ये ड्रोन सिस्टम हर तरह के हमले करने में सक्षम है। दुनिया भर में ऐसे ड्रोन्स के जरिए बड़े बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं, टारगेट को खत्म किया जा रहा है और भारत के पड़ोस में आतंक फैलाने की लगातार कोशिश हो रही है। भारत पहले भी ऐसे हरकतों का माकूल जवाब दे चुका है, तो क्या दुश्मनों को एक बार फिर जवाब मिलेगा? लेकिन तरीका कुछ और होगा। वर्तमान में जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, पड़ोसियों की किसी हरकत की संभावना से किसी भी सूरत में इनकार भी नहीं किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय का उत्तरदायित्व संभालने के बाद से ही मैंने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि ग्लोबल सिनेरियो चाहे कुछ भी हो, पर हमें अपनी तैयारियों में कहीं कोई कमी किसी भी सूरत में नहीं रखनी है। किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा और हर विकल्प के साथ प्रोएक्टिवली हम सबको तैयार रहना है। रक्षा मंत्री का संदेश साफ है कि भारत किसी पर पहले हमला नहीं करता, लेकिन खतरनाक मंसूबों को माकूल जवाब देना जानता है। कहीं अगर हमें हमारे हितों पर आंच दिखी तो मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम कोई भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, मैं इस बात का देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ। साथियों, किसी भी वस्त्र की पूजा करने का यह स्पष्ट संकेत होता है कि जरूरत पड़ने पर उसका पूरी ताकत के साथ प्रयोग किया जाए। दुनिया में अब युद्ध और अटैक का तरीका बदल चुका है। अब सैनिक नहीं बल्कि एडवांस हथियारों से हमले किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने जिन शस्त्रों की पूजा की वो सेना को नई ताकत देने वाले हैं। बिना सैनिकों को चोट पहुंचाए किसी भी टारगेट को खत्म करने की क्षमता है, तो क्या अब भारत विरोधी ताकतों को करारा जवाब मिलने वाला है? सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के बाद अब ड्रोन सिस्टम भारत विरोधी ताकतों को नष्ट-नाबूद करेगा। रिपोर्ट जी मीडिया। तो विजय दशमी अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत के इस पर्व में देश भर में आज शस्त्र पूजा की गई, जिसकी अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी संघ मुख्यालय में इस पूजा को किया है और उन्होंने हिंदुओं से संगठित होने की अपील इसी के साथ की है। धार्मिक जुलूसों पर पथराव पर गहरी नाराजगी भी व्यक्त की। विजयदशमी के मौके पर आज पूरे देश में शस्त्र पूजा की है। देश के अलग अलग हिस्सों से इसकी कई तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें लोग पूरे विधि विधान के साथ शस्त्र पूजा करते नजर आए। इसके लिए शस्त्रों को संयोजित तरीके से रखा गया और फिर वहां मौजूद पुजारियों ने मंत्र पढ़कर शस्त्र पूजा करना।
नागपुर में भी विजयदशमी के मौके पर हर साल की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर शस्त्र पूजा हुई। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पूरे विधि विधान के साथ शस्त्र पूजा की। संघ का स्थापना दिवस होने के मौके पर वहां कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश नजर आया। 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर बलराम कृष्ण हेडगेवार ने इसकी शुरुआत की थी, जिसके शताब्दी वर्ष में पहुंचने पर खुशी जताई गई। शस्त्र पूजा के बाद संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में कमजोर होने को एक अपराध बताते हुए हिंदू समाज से एकजुट और सशक्त होने की अपील की। हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। इसके साथ ही मोहन भागवत ने कोलकाता रेप मर्डर, देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं, धार्मिक जुलूसों पर पथराव जैसे मुद्दों पर बात करते हुए साफ किया कि गुंडागर्दी को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है, गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है, और गुंडागर्दी किसी की भी हो वो क्षम्य नहीं है। अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार। शस्त्र पूजा की तस्वीरें कर्नाटक के मैसूर से भी सामने हैं, जहां मैसूर किले में हर साल की तरह भव्य तरीके से शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान पुजारी पारंपरिक तरीके से पूरे विधि विधान के साथ पूजा कराते नजर आए। शस्त्रों को पहले सजाया गया और फिर मंत्र पढ़कर उनकी पूजा की गई। इस दौरान वहां ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई पड़ी। इसके बाद मैसूर पैलेस में भव्य तरीके से मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का जश्न दिखा, जिसमें हर साल की तरह हाथियों का जुलूस भी निकाला गया। इसके बाद अलग अलग तरह की झांकियां निकाली गई, साथ ही वहां नृत्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। विजयदशमी के मौके पर गुजरात के गांधीनगर में भी शस्त्र पूजा हुई, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पूजा में शामिल हुए। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाराज बाड़ा में हर साल की तरह विधि विधान से शस्त्र पूजा की। इस दौरान वो पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस दिन को सत्य और न्याय की जीत का दिन बताया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये सत्य की जीत का दिवस है, ये न्याय का दिवस है, और हम सब आज इस दिवस पर प्रेरणा लें, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए विकास और प्रगति में एक एक नागरिक अपना योगदान दे पाए। देश के अलग अलग हिस्सों में विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा हुई। इस दौरान त्रिशूल, तलवार, तीर धनुष, गदा, भाला, खड़ग, ढाल, फरसा, पिस्तौल और राइफल की पूजा की गई। विजयदशमी पर्व पर वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में भी शस्त्र पूजन किया गया। काशी विश्वनाथ न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विष्णु भूषण ने इस पूजा को विधि विधान से किया। शस्त्र संधान और शस्त्र की शिक्षा और धनुर्वेद का अभ्यास यह सनातन धर्म में प्रारंभ से धार्मिक कर्तव्य ही माना गया है, तो शस्त्र की पूजा, शस्त्र का प्रदर्शन और शस्त्र का प्रयोग इसको करने के लिए प्रवीण होना चाहिए। इसीलिए पारंपरिक शस्त्रों की पूजा यही स्मरण कराने के लिए कि जब कभी भी आपके ऊपर संकट आएगा तो शस्त्र ही आपको उससे राहत दिलाएंगे। देश भर में हुई इस शस्त्र पूजा के दौरान भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना की गई, साथ ही एकजुट होने और जागरूकता का संदेश भी दिया गया। वाराणसी से दिनेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।